हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। सो गाइस, करवा चौथ है कल और आज अब दिन का समय होने जा रहा है और मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और गाइस, मैं सबसे पहले ना पैर की मेहंदी लगाऊंगी और जो कि मैंने यूट्यूब से सीखा था एक डिज़ाइन, अभी सीखा जस्ट, अगर वैसा बन जाएगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और गाइज, यहाँ पे ना करवा चौथ की शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये लोग यहाँ साउथ के ना करवा चौथ मनाते नहीं है, इनको पता नहीं है। और गाइज, कम से कम जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से 17 या 18 किलोमीटर दूर गए हम और वहाँ से करवा चौथ का सामान आया, जो भी मिला वो लाया। तो कल दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या मिला हमें और कैसी चीज़ें मिली। और गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी बताया कि करवा चौथ का यहाँ पे सामान नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ना जहाँ पे हमें सामान मिला तो वहाँ पे महंगाई है सामान की, मतलब महंगा मिल रहा है। तो गाइज, लेना तो पड़ेगा ही, तो ले लिया। सो गाइज, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैर की मेहंदी। और गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेहंदी लगाना आज काफ़ी टाइम बाद, तो आज लगाते हैं मेहंदी और मैं खुद ही लगाऊंगी अपने हाथ, दोनों हाथों में भी और दोनों पैरों में भी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और गाइज, एक और बात, करवा चौथ की शॉपिंग करने का मजा ना अपनी साइड ही है, मतलब हिमाचल में। और गाइज, वहाँ पे ना एक ही शॉप में सारा सामान लगा होता है, मतलब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब सभी दुकानों में करवा चौथ का सामान आता है। मतलब अपनी पसंद के कोई भी दुकान में चले जाओ, वहाँ पे सारा सामान मिल जाएगा आपको ए टू जेड जो भी चाहिए, तो मतलब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो गाइज, और काफ़ी ज़्यादा मजा आता है सबके साथ वहाँ पे शॉपिंग करने का, तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। सो गाइज, चलिए करते हैं स्टार्ट मेहंदी। और बहुत ही खुशी का समय है, कल सजने संवरने को मिलेगा। तो गाइज, चलिए करते हैं स्टार्ट। और गाइज, एक तो ना मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे हैं और छोटे छोटे हैं, और वीडियो में ना और भी ज़्यादा मोटे आ रहे हैं। तो ये वाला डिज़ाइन मैंने यूट्यूब से सीखा था। और गाइज, ये एक साइड देखो कंप्लीट हो गई। और गाइज, देखो उंगलियों में तो खिचड़ी पक गई है, पता नहीं चल रहा कि कैसा डिजाइन है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं अब पूरा। देखो गाइज, एक पैर हो गया कंप्लीट। और गाइज, ये वाला डिजाइन ना काफी अच्छा बना है और कैमरे में ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है और सामने से देखने में अच्छा लग रहा है। ये दूसरे पैर का है। इस पैर की मेहंदी ना ज्यादा सुंदर लगी है पहले वाले पैर की जगह। ये देखो, ये वाली अच्छी लग रही है देखने में भी, और इसमें अलग अलग डिज़ाइन है उंगली में और इसमें अलग है, तो ये भी सुंदर है बट दोनों में अलग अलग है। इसमें देखो ऐसे घास की तरह डिज़ाइन बनाया मैंने, ये वाला, इसको घास की तरह बोलते हैं, और इसमें देखो अलग है थोड़ा सा। ये मेरी मेहंदी हो गई डन पैर की, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है गाइस। गाइज, पैर की मेहंदी हो गई है मेरी डन और काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने खुद लगाई है, तो मेरे को संतुष्टि मिली है इस बार लगा के। पिछली बार ज़्यादा खास नहीं लगी थी, वो भी मैंने खुद लगाई थी। तो सूखने के बाद देखते हैं कि कैसा रंग आता है और कैसे दिखते हैं ये डिज़ाइन, सुंदर भी लगती है या नहीं, और हाथ में मैं बाद में लगाऊंगी। गाइज, अपना लंच का टाइम हो रहा है तो मैं जल्दी से लंच बना लेती हूँ और थोड़ा छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं फिर। तो उसके बाद लगाऊंगी मैं हाथ में मेहंदी और तब तक मेरी पैर की मेहंदी सूख जाएगी,
तो चलिए लंच बना लेते हैं और फिर करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हाथों की मेहंदी। ये देखो फाइनली मेरी मेहंदी सूख गई है और कलर भी अच्छा आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखो कितना अच्छा आया है और इसमें भी अच्छा आया है। ये तो जब मेहंदी पूरी तरह से निकल जाएगी ना तभी पता चलेगा। तो अब लगाते हैं हाथ। मैंने लंच वगैरह कर लिया है और मेरा ब्रेक हो गया अब ख़त्म। सो गाइस, और पैर की मेहंदी भी सूख गई है और अब हाथ में लगाने की बारी। तो अब लगाते हैं हाथ में मेहंदी, तो करते हैं स्टार्ट। अब मैं जब हाथ में मेहंदी लगा लूँगी ना तो उसके बाद दिखाऊँगी मैं आप लोगों को, तो मिलते हैं कुछ देर बाद। गाइस, अब मैंने लंच वगैरह कर लिया है और मेरे पैर की मेहंदी भी सूख गई है। सो अब लगाऊँगी मैं राइट हाथ के हाथ में मेहंदी। और गाइस, अभी साथ में भी मेरी मेहंदी लग चुकी है और जो कि मैंने ऐसे कांपते कांपते लगाई है, इस हाथ से ना लगाना मुश्किल होता थोड़ा सा। और इस हाथ से जब मैं इस हाथ में लगाऊंगी ना तब बिल्कुल रिलैक्स कंफर्टेबल होता है अच्छे से, पर लेफ्ट हैंड साइड के हाथ से राइट हैंड साइड के हाथ में मेहंदी नहीं लगाई जाती। करना आपका भी ट्राई, मतलब ऐसा अनकम्फर्टेबल फील होता है। फिर मैंने आराम से धीरे धीरे लगाई ली। और गाइस, फाइनली अब आगे के हाथ में भी कंप्लीट हो चुकी है और अब पीछे लगाऊंगी। तो करते हैं स्टार्ट। और गाइस, ये देखो फाइनली मैंने इस हाथ में मेहंदी लगा ली है, पूरी कंप्लीट कर ली है दोनों साइड। और गाइस, अब ये वाला हाथ रह गया है, अभी इसमें मैं बाद में लगाऊंगी, पहले ये सूख जाए। एक और बात, मुझे ना अच्छे अच्छे डिज़ाइन नहीं आते हैं मेहंदी के हाथों में लगाने, पर मैं मेहंदी लगाने की शौकीन हूँ बहुत, मतलब अपने हाथों में, और मैं खुद ही लगाना पसंद करती हूँ अपने आप को, पर दूसरों को नहीं लगा सकती मैं। अपनी चाहे जैसी मर्जी वैसी बने ठीक है, पर औरों को नहीं लगा सकती। वाह गाइस, ये देखो दिन में इतना गाढ़ा कलर आ गया है मेहंदी का, और कल सुबह तक तो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और सुंदर भी लग रही है और काफ़ी गाढ़ी लगी हुई है, रंग ठीक ठाक आ गया है मेहंदी का। और गाइस, ये देखो हाथ में भी लग रहा है कि काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, ये देखो ऑरेंज सा, और सूख भी गई है। ये मैंने ऑयल लगाया था इसके ऊपर, ये देखो कितनी गाढ़ी लग गई है, और पीछे इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है फिलहाल। ये मैंने इसके बाद लगाई थी ना पीछे थोड़ी लेट, तो अभी ये लग रही है। चलो देखते हैं, क्योंकि आगे वैसे भी ज़्यादा गाढ़ा कलर आता है और पीछे इतना ज़्यादा नहीं आता है। थोड़ी देर के बाद इसको भी धो दूँगी मैं। और गाइस, दोनों पैर और एक हाथ में मेहंदी मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अच्छे से लग भी गई है। और गाइस, मैं इस हाथ में नहीं लगा पाई अभी, तो अब लगा भी नहीं सकती। तो गाइस, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया, 4:30 हो गए, और यहाँ पे 5 बजे के आसपास तो अंधेरा होने लग जाता है, और 5:30 बजे को तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। तो मैंने अभी डिनर भी बनाना है, तो इसलिए अभी इसमें नहीं लगा सकती मेहंदी। फिर एकदम से लगाऊंगी और फिर वॉश कर दूंगी तो अच्छे से रंग नहीं आएगा, तो आराम से लगाऊंगी डिनर करने के बाद। और फिर कल के ब्लॉग में देखना आप लोग फिर मेरे कैसी मेहंदी लगी इस हाथ में भी। और गाइज, इस टाइम बज रहे हैं शाम के 4:30, और जैसा कि मैंने दिखाया मेरी मेहंदी का कलर बहुत ही अच्छा आया, एकदम गाढ़ा। पैर की मेहंदी का तो काफ़ी अच्छा है, और हाथ की मेहंदी का ये देखो, और ये भी ठीक ही आया है। और ये जो कलर अभी इस टाइम ऐसा आया ना, ये सुबह तक और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि मेहंदी धीरे धीरे कलर छोड़ती है, और ये पीछे। सो गाइज, तो मेरी करवा चौथ की मेहंदी ना डन हो गई है एकदम अच्छे से, और कलर भी अच्छा आया है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल करवा चौथ का ब्लॉग शूट करूंगी मैं। और गाइज, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।